उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्र में खतरनाक रसेल वाइपर के आने से वन विभाग की चिंता बढ़ गई है। वहीं एक साथ 2 दर्जन से अधिक सांपों के परिवार देखे गए हैं। आपको बता दें कि सांपों का जखीरा मिलने से क्षेत्र में दहशत फैल गई है। दरअसल विकास नगर के डढ़रानी क्षेत्र में भारतीय सांप प्रजाति के सबसे जहरीले और खतरनाक सांपों में से एक रसेल वाइस के 26 सांपों का जखीरा मिला है, जिन्हें रेस्क्यू करने के बाद वन विभाग ने सांपों के परिवार को जंगल में छोड़ दिया था। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में रसेल वाइपर परिवार मिलने से वन विभाग की चिंता भी बढ़ गई है। गौरतलब है कि अन्य सांपों से ज्यादा खतरनाक माने जाने वाला ये रसेल वाइपर अन्य भारतीय सांपों की तरह अंडे देने की बजाय सीधे बच्चों को जन्म देता है, वो भी एक या दो नहीं बल्कि दर्जनों की संख्या में, जिसके कारण जहरीले सांपों की संख्या दोगुनी हो जाती है। बताया जा रहा है कि अजगर जैसा दिखने वाला यह सांप अक्सर लोगों द्वारा अजगर समझ लिया जाता है, और यह भी कहा जा रहा है कि इस सांप के काटने से आधे घंटे के अंदर ही व्यक्ति की मौत हो जाती है। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। डकानी गांव के समीप जो निवासी हैं उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि वहां पर उनके द्वारा कुछ सांप देखे गए हैं, तो मौके से यहां से प्रशिक्षित जो स्टाफ है उसे मौके पर पकड़ने के लिए भेजा गया। जब उन्होंने देखा तो वहां पर असल बात करके 26 छोटे बच्चे मिले, जिन्हें रेस्क्यू कर वन क्षेत्र में सुरक्षित रूप से छोड़ा गया। असल वाइपर जो है वो भारत का और पूरे विश्व में एक सबसे जहरीले सांपों में से एक सांप है, और हीमोटैक्सिक जहर इसमें पाया जाता है। जैसे कि जब ये बाइट करता है तो आधे घंटे के अंदर ही उसमें सूजन और काफ़ी तेज दर्द और अंदरूनी रक्त स्राव इसमें स्टार्ट हो जाता है, तो आधे घंटे के अंदर अंदर इसमें चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता पड़ती है। और जब कभी इस तरीके का कोई भी सांप दिखाई दे तो उसमें जितना जल्दी हो सके चिकित्सकीय सहायता के लिए मरीज को या पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल पहुँचना चाहिए।